नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मैं चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ मैं चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम कैसे बनेगी। तो उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने चॉकलेट लिया है, हमारे पास वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों हैं, और ये रेडीमेड मार्केट में मिलती है। और घर की हमारे पास मलाई है, ये चोको हैं चिप्स, जो चोको चिप्स ये हमें ज़रूरी लगेंगे, ये हम इसमें यूज करने वाले हैं। और लेकिन ये सब बाद में यूज होंगे। शक्कर है, कॉर्नफ्लोर है, एंड आधा लीटर हमने मिल्क लिया है। और हमने चॉकलेट को पहले से मेल्ट करके रख लिया है, तो अभी बताते हैं हम कैसे मिक्स करेंगे। 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसमें, ये डाल दिया हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और 8 चम्मच हम शक्कर डालेंगे, ये पाउडर है 1.5 चम्मच डालेंगे हम, इससे हमारी आइसक्रीम बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं, 1 चम्मच डालेंगे, इससे हमारी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती है। तो इतना हम डालेंगे, ये जो आपको बताया था GMS पाउडर डालेंगे, हमने मिल्क में, और इसको हम फेंटते हैं। अब इसको हम, ये जो हमारे पास दूध है हमने गर्म होने रख दिया, इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, इसके लिए ये हमने मिक्स कर लिया। इससे बड़ी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। और जो हमने चॉकलेट लिया था, अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं। चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखा थे, हम इसमें मिक्स कर दिया, ये देखिए। और जो आप लोगों को वाइट चॉकलेट दिखाई थी, उसका यूज बाद में करेंगे जब ये जम जाएगा, और तो उसके बाद में उसका हम करने वाले हैं यूज। तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे किस तरीके से करेंगे। 8 टेबल स्पून शक्कर डाल देते हैं, तो इसको हम थोड़ी देर पका लेते हैं। तो आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है डालना आइसक्रीम में दोनों पाउडर। तो CMS पाउडर, GMS पाउडर, तो देख लीजिए ये दोनों पाउडर हम डालेंगे इसमें। और इसको 1.5 चम्मच डालेंगे, और इसको हम 1/2 टीस्पून डालेंगे, और इसको 1.5 चम्मच डालेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं हमारे कंपनी से ये हो गया है। तो जैसे ये हम आप इसको ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देते हैं, और फिर आगे आपको हमें दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको हम फेंटेंगे। इस तरीके से हम ठंडी हो जाएगी इसमें थोड़ी देर में, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और चलिए, इसमें मलाई है ये, तो ये डाल देते हैं हम इसमें, ये देखिए ये डाल दिए, डाल के हम थोड़ी देर फेंटेंगे। और ये इतनी हो गई, इतनी से आप लोग देखिए कितनी बढ़ गई, हमने मलाई डाली इसमें करीब 150 ग्राम। अभी इसमें थोड़ी सी देर और चला देंगे, और फिर हम इसको जमाएंगे। ये हमारी फिर चुकी है बिल्कुल, आप ऐसे भी फेंट सकते हैं, और हमने मिक्सर में भी आप लोगों को दिखाया है। चलिए हम इसको जमा लेते हैं, हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से, हम ये डाल देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और जो हमने बताया था ट्रफल, ये वाइट चॉकलेट जो हमने आप लोगों को दिखाई थी, हमने इसको मेल्ट कर ली है हल्का सा मिल्क डाल के। और ये देखिए, हम इसको इस तरीके से इसमें लगा देंगे, और
देखिए, ये चॉकलेट हमारे पास जो था वही है, और फ्रिज में रखने के बाद फिर भी डाल सकते हो, एक लहर के लहर चाहते आप तो, और ना तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। तो थोड़ी देर हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम इसके ऊपर बताते हैं आप लोगों के लिए। हम कौन बना लेंगे, और इस तरीके से भी हम इसको दे सकते हैं। देखिए, और ये देखिए, और इस तरीके से भी आप गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और आपकी आइसक्रीम कितनी बढ़िया लगेगी। हमारे चॉकलेट आइसक्रीम कितनी बढ़िया लग रही है, और इस तरीके से आप लोग भी जमा सकते हैं। और चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं, और जब जम जाती है तो आप लोगों को काट के दिखाते हैं हम कि हमारी आइसक्रीम कैसी है, चॉकलेट आइसक्रीम कैसे, ट्रफल आइसक्रीम कैसे जमी, चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम, ट्रफल आइसक्रीम चॉकलेट। तो चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अभी इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, कम से कम 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे रखना होगी ना, 12 घंटे तो कम लगते हैं इसमें, लेकिन आपका अगर 6 घंटे में हो जाएगी तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी जमी। तो चलिए, बहुत बढ़िया जमी है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, आइसक्रीम जम गई है। तो चलिए इसको हम काटते हैं कि ये कितनी प्यारी जमी है, और कितनी स्मूथली कट रही है, और ये ट्रफल लहर तो बहुत बढ़िया लग रही है। रेडी है, हम थोड़ा गार्निशिंग करते हैं इस पे, और हमने गार्निशिंग कर देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया जमी है, और ये हमने गार्निशिंग कर दिया। ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है, और आप लोगों ने देखा कितना बढ़िया जम गई है। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है, और आप लोग ट्रफल चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम, सॉरी चॉकलेट आइसक्रीम बोल रहा था मैं, चॉकलेट ट्रफल आइसक्रीम। ये देखिए, इसके अंदर हमने लहर वाइज जमाई थी, चॉकलेट के साथ में व्हाइट चॉकलेट भी ली थी, और ये कंप्लीट है। ये देखिए इस तरीके से चॉकलेट की ट्रफल लहर आ रही है।